Uh, and now it's my proud privilege to invite uh, the President, College of Physicians and Surgeons of Pakistan, Professor Khalid Masood Gondal, to kindly take the stage. He will inform us about the various activities of the college, the way forward, and the vision of the new council. Professor Khalid Masood Gondal. College is not the college office bearer or the council, college is faculty's fellow supervisor. एंड एज ए यूनिट वी ऑल आर दॉलेज नेक्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट में आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विद यू द अपडेट्स ऑफ द कॉलेज एंड द फ्यूचर वी एन और पिछले दो माह में अट्ठारह मार्च से लेकर आज तक कॉलेज की एक्टिविटीज़ क्या थी और आगे कॉलेज हम क्या चाह रहे हैं इसमें न दिस इज़ यज ग्रीन लॉन एंड फ्लावर्स एंड आई मस्ट पे सल्यूट टू दिस लेजेंड लेफ्टिनेंट जनरल वाजिद अली बर की जिनकी ये वी एन थी 1962 तीन इदारे बने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल पाकिस्तान रिसर्च काउंसिल और कॉलेज ऑफ फिजिशन पाकिस्तान बाकी दोनों इदारों का तस्करा किए बग़ैर बाई दफल बी कॉलेज इज़ हैविंग अमूथ सेलिंग और एक नैशनल इंटरनेशनल लेवल पे कॉलेज डिलीवर कर रहा है दीज ट्वेंटी पीपल दे वर इलेक्टेड बाई यू विदाउट गोइंग द डिटेल द प्रोविशल डिस्ट्रीब्यूशन ये वो लोग हैं जो आपके साथ मिल के दे विल ट्राई टू डिलीवर फॉर द कॉलेज ना कमिंग बैक टू दिस स्लाइड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट स्लाइड फॉर मी 18 मार्च से पहले और 18th मार्च के बाद 18 मार्च से पहले हमारी जितनी तकारीर थी उनमें थोड़ा सा पॉलिटिकल टच भी था और उसमें हम बात कर रहे थे कि वी वर फेसिंग दीज चैलेंजेस वी मेड दी स्ट्रेटजीज़ एंड वी अचीव दीज टारगेट्स हम अपनी बातों को बयान कर रहे और आप लोगों ने मेहरबानी की फेलोजे कि उन्होंने टेस्टिफाई किया इन एटीनथ मार्च दे स्टेम्प्टोज अचीवमेंट अब 18 मार्च के बाद वो तमाम अचीवमेंट ख़त्म एटीनथ मार्च के बाद हम उनका तस्कर बिल्कुल नहीं कर रहे क्योंकि दे हैव ऑलरेडी बीन टेस्टिफाइड बाय द फेलोज एंड द फैकल्टीज मेम्बर एटीनथ मार्च के बाद नाइनटीन को हमारी कौंसिल बैठी और हमने कहा कि अब गैप्स और एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट उनको देखा जाए वी एनालाइज ईच एंड एवरी क्रिटिसिज्म जो फील्ड की तरफ से हमें फॉरवर्ड हुआ और वो क्रिटिसिज्म 70 टू 80 परसेंट ठीक थे जब आप समझते हैं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ तो आप परफेक्ट नहीं रहते अगर आपको एडवाइस करता है तो यू मस्ट सी दैट एडवाइस इन ए पॉजिटिव सेंस और नाइनटीन मार्च को हमने डिसाइड किया कि 18 मार्च से पहले अगर हमारे किसी के इख्तलाफ थे तो वो अगले चार साल के लिए ख़त्म अब तमाम फेलोज एक हैं सुपरवाइजर एक हैं एवरीबॉडी हु इज एसोसिएटेड विद द कॉलेज ही विल दे दे विल वर्क लाइक अ यूनिट सो वो बातें ख़त्म और फॉरवर्ड चीज़ें हम उनको लेके गए कि क्या क्या गैप्स थे जो फील्ड ने हमें कन्वे किए हमारे दोस्तों ने कन्वे किए कि आप ये नहीं कर सके एंड दैट वॉज द गुड एडवाइस एंड वी शुड सी दैट और वो क्या थे एक बात थी कि हमारे सिस्टम में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है और वो बात ठीक थी वो नहीं आज भी हम लेके आएंगे मिलके लेके आएंगे सेकेंड बात सी थी कि क्वालिटी ऑफ़ ट्रेनिंग इज़ नॉट द यूनिफॉर्म देर इज़ ए वेरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग कहीं बात बहुत बेहतर है और कहीं नहीं है क्वालिटी को बेहतर करेंगे और एक बहुत बड़ी जो फील्ड की बात थी बहुत सीनियर लोग बैठे हैं वो बात थी एक्डिटेशन के बारे में कि जी क्योंकि कुछ इदारों की, की गई दो कॉलेज के स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते थे और जब हमने एनालाइज़ किया तो किसी हद तक बात वो ठीक भी निकली तो अभी एटीनथ मार्च के बाद शेब साहब से मिल के वी मेड द गाइड लाइन के एक््रेडिटेशन में देर विल बी आई थिंक जीरो टॉलरेंस एज फर आ स्टैंडर्ड ऑफ कॉलेज कंसर्न और जो पॉलिसी हमने बनाई वो आपसे हम शेयर कर रहे हैं पहली पॉलिसी तो ये बनाई कि पहले रीजनल डायरेक्टर जो है वो टीम को लीड करते थे हमने कहा किसी सेंटर पे देर विल बी नो रोल ऑफ द रीजनल डायरेक्टर एज फर द चेयरमैन इज कंसर्न रीजनल डायरेक्टर लीड नहीं करेंगे सीनियर बंदा लीड करेगा रीजनल डायरेक्टर विल प्ले द रोल ऑफ द कोऑर्डिनेटर और वो टीम को गाइड करना कोऑर्डिनेट करना नंबर वन नंबर टू जो कौंसल मेंबर हैं नो कांसलर विल बी द इंस्पेक्टर क्योंकि जब कौंसलर एज ए इंस्पेक्टर जाएंगे तो एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी आ जाएगा दोस्ती काज एन एमरजेंसी एमरजेंसी सूरत में एक बिलफरस ऐन मौके पर अगर इंस्पेक्टर हमें नहीं मिला तो उस सूरत में कंप्यूटर अथॉरटी उनके मशवरे के साथ और तीसरी चीज़ जितनी इंस्पेक्शन होंगी वो सेम प्रोविंस का बंदा इंस्पेक्शन नहीं करेगा लाहौर की कल इंस्पेक्शन थी कोयटा से और कराची से लोग आए थे दिस इज़ अ जनरल पॉलिसी कि के द प्रोविंस बाज़ मौकों पर एन मौके पर रिफ्यूजल होता है उस पर एक स्पॉट डिसीजन दैट विल बी डिफरेंट एंड देन जो क्राइटीरिया के सेट किए हमारे डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन आमिर जमा साहब इस पर बहुत काम कर रहे हैं आपसे फैक्लिटीज़ के दौरान वो शेयर भी करेंगे उन क्राइटीरिया के मुताबिक तमाम एक्रीडिटेशन की और फिर एक कंसेप्ट ऑफ सेल्फ स्टडी आया फिर डी एग्रिडेशन री एग्रिटेशन एक और बात थी ई वेल्यूशन के बारे में तो आपने भी सारी वो बातें सुनी हम भी पढ़ते थे और मैसेजेस भी देखते थे अब उनको हमने एनालाइज़ किया और कहा कि नहीं एक साल में उन तमाम को एड्रेस करना है अपॉइंटमेंट ऑफ एग्ज़ामिनर पर बात की गई कि असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर आए बग़ैर ऑब्जर्वेशन के कुछ लोग एग्जामिनर लगे और क्राइटेरिया ऑफ एग्जामिनेशन मीट नहीं करते थे हालांकि हमारा अपना एस ओ पीज़ और क्राइटेरिया है अब ऑनवर्ड एटीनथ मार्च की हमने बात कहा कि कोई एग्जामिनर अपॉइंट नहीं किया जाएगा जो क्राइटेरिया मीट ना करता हो फॉर आई एम एम एप्सलूटर्न एट ईयर्स फॉर पार्ट टू टेन ईयर्स फॉर सेकेंड फेलोशिप दस साल फर्स्ट फेलोशिप और पाँच से सात साल सेकेंड फेलोशिप और ऑलरेडी वो ऑब्जर्वर हों वर्किंग इन द एक्रीडेटेड यूनिट और फिर वो तमाम लाइक like उन्होंने दो साल के लिए इम्तहान ऑब्जर्व किया हो ई में एक ये चीज़ और सेकेंड क्वालिटी एश्योरेंस के टूल्स थे इम्प्लीमेंट नहीं किए हुए करने जा रहे हैं फिर कुछ नई चीज़ें लाइक like घंटे डेढ़ में आप बच्चे को असेस नहीं कर सकते अ सॉर्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट ताकि दो साल बच्चे की परफॉर्मेंस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस ठीक रहे नई चीज़ें कुछ ले आ रहे हैं फिर ओवरसीज जो हमारे रिलेशनशिप हैं इसमें आयरलैंड यूके नेपाल सऊदी अरब के साथ हैं लेकिन फील्ड का क्वेश्चन था व्हाट अबाउट जीएमसी? एम क्वेश्चन था डी रिकग्निशन ऑफ दी सर्टन आई थिंक रजिस्ट्रेशन बॉडी इंटरनेशनली उन तमाम को हम एड्रेस कर रहे हैं उसमें आई थिंक 80 90 परसेंट बातें जो हैं वो उस अंदाज में रिफ्लेक्ट नहीं की जो फैक्चुअल पोजीशन दी बट वी आर एनालाइजिंग एवरीथिंग एंड वी आर गोइंग टू स्ट्रेंथन आवर ओवरसीज रिलेशनशिप अब आगे बात चलती है एटीनथ मार्च को आप लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी एक दिन ऐसा नहीं गुजरा कि जिस दिन ये लोग बैठे हुए और जो कौंसिल के लोग बैठे हैं उन्होंने कॉलेज की कलेक्टिव एक्टिविटी के बारे में कोई ना कोई मीटिंग ना की ओ नाट ए सिंगल डे प्लान किया हमने मेन काउंसिल्स की जो कमेटीज़ हैं वो ट्वेंटी नाइन्थ अपना नाइनटीन्थ मार्च को बना दी नोटिफाई कर दी एंड देन द मेन फैकल्टीज़ आपकी मेडिसिन सर्जरी अपथोलॉजी पिडाइटिक्स ये पांच जो मेन फैकल्टीज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूट किया और थर्टी मार्च एंड थर्टी मार्च एंड फर्स्ट सेकेंड अप्रैल इन तमाम फैकल्टीज़ की मीटिंग और इन मैकेटीज़ में यही बात तय की गई कि कॉलेज कहाँ था कहाँ है और हम क्या देखना चाह रहे हैं एंड दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड जो आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है इसमें इन फैकल्टीज़ ने कहा कि उन गैप्स को एड्रेस करने के लिए वी शुड सेट द गोल और ये शॉर्ट टर्म गोल होने चाहिए और ये लॉन्ग टर्म गोल होने चाहिए शॉर्ट टर्म गोल में शैब शफी साहब ने बात की वर्क प्लेस बेस असेसमेंट ये 2022 में इन्हीं का कंसेप्ट था तो वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट क्या है इसके बारे में आगे एक आध आग स्लाइड में हम बात करेंगे लेकिन समेटिव असेसमेंट जो एक दिन में होती है यू कैन नॉट असेस ऑल द कम्पिटेंसीज विच आर गिवन इन द कम्पिटेंसी बेस्ट मेडिकल एजुकेशन सो वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में इंशाला लागू होगी इसके साथ एक्रेडिटेशन पर मैंने बात की एक हम और कंसेप्ट लेके आए हैं दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ गुड एकेडमिक स्टैंडिंग हम बात करते हैं जी कुछ सुपरवाइजर सुपरवाइज करते हैं कुछ नहीं करते तो जो अच्छे अंदाज में करते हैं उनके लिए सर्टिफिकेट इशू करना फैकल्टी मेंबर बनना एग्जामिनर बनना इंटरनेशनल एग्जामिनेशन में लेके आना ये लेके आए ये शॉर्ट टर्म गोल इनशाला वी विल अचीव इन 2023 स्पेशलिटी और मेरी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है मेन फैकल्टीज इस पर काम कर चुकी हैं एंड दे आर नियर टू अचीव द टारगेट आज प्रोफेसर आमिर जमा साहब और डॉक्टर सहर इसी पर बात करेंगी आपके फोकल पर्सन कन्वीनर या सेक्रेटरीज इन्हीं दो चीज़ों को मेन लेके चलेंगे कि जो मेडिकल लाइड स्पेशलिटी हैं इनमें टारगेट विद इन थ्री मंथ्स आर इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री हम कैसे अचीव करें एक और बात थी कि जी एम सी क्यू बैंक पुराना है लोग किताबें उठाते हैं पार्ट वन में पास हो जाते हैं हमने इसको एनालाइज़ किया फ़िफ्टी परसेंट बात ठीक थी फिफ्टी परसेंट नहीं थी इतना पुराना नहीं था एवरी सुपरवाइजर कंट्रीब्यूटेड फिफ्टी एम सी क्यूज ढाई लाख एम सी क्यूज थे आज तीन लाख पाँच हज़ार एम सी क्यूज हैं लेकिन फिर मीटिंग स्टार्ट कर दी हमने टू रिवेंप ऑल दोज एम सी क्यूज़ इसी तरह जो हमारा कैरिकम है किस जगह पे उसकी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वो फैकल्टीज़ उसी अंदाज़ में देखेंगी और ये वो कंसेप्ट है जो हमने इम्प्लीमेंट करना है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में कंसेप्ट ऑफ सेल्फ स्टडी ऑफ एक्डेटेड यूनिट जिनको हम एकडेट कर चुके हैं ये सच्ची बात है लोगों ने कहा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट एक्रिडेट हुआ लोकल इंस्पेक्टर था लोकल रीजनल डायरेक्टर गया आप लाहौर की एग्जाम्पल ले लें किसी जगह के भी ले लें इस जगह पे ये चीज़ें सामने आई तो हमने कहा कि नहीं तमाम को हम लिखेंगे कि दीज आर दी पी एस पी क्राइटेरिया ऑफ एक्रीडेशन डू यू मीट दोज क्राइटीरिया अगर वो कहेंगे यस वी मीट तो वो जो चेक लिस्ट होगी री वेरिफिकेशन होगी रीएक्रिडिटेशन होगी या डीएक्रिडिटेशन होगी क्योंकि कहीं ना कहीं हमने स्टैंडर्ड को लेके आना है और कहीं ना कहीं हमने क्वालिटी को लेके आना है सो so ये मेन फैकल्टीज़ की मीटिंग हुई उसके बाद हमारी क्या एक्टिविटीज़ हुई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विद यू एट्थ अप्रैल यानी एक हफ्ते के बाद यूके में एक चैलेंज आ गया आपको शायद इल्म है कि देर वाज अ स्ट्राइक इन यूके और वहाँ में हमारे जो बच्चे 386 गए हुए थे वो भी इन्वॉल्व हुए देर वॉज अ चैलेंज टू द कॉलेज कि आपने बच्चे भेज दिए इफ़ दे आर इन्वॉल्विंग इन द स्ट्राइक तो उसमें फिर हमारी ये जूम पे मीटिंग रात ग्यारह बजे हो रही है दोनों रीजनल डायरेक्टर मौजूद हैं और फिर हमने उनकी जी की पॉलिसी पता की अपना एस देखे और स्ट्राइक इशू को हमने सॉल्व किया इन द लाइट ऑफ देयर ओन लॉ एंड द पॉलिसी ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन इसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है फिर टेंथ अप्रैल को जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की गोल्डन जुबली सेरेमनी थी कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन को इन्वाइट किया गया माई सेल्फ एंड प्रोफेसर महमूद यासा वॉज देअर इन द असेंबली और वहाँ हमने बात की फिर इलेवंथ अप्रैल को आई थिंक आई मस्ट अगेन अप्रिशिएट द डिपार्टमेंट ऑफ़ मेडिकल एजुकेशन जितनी इसका एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमने तीन डिपार्टमेंट को रिवैम किया इसमें नेशनल रेजेंसी प्रोग्राम का डायरेक्ट्रेट डायरेक्ट्रेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर जनरल बनाए एडवांस स्किल डिपार्टमेंट प्रोफेसर आमिर जमात साहब वीकली मीटिंग्स और डेली ख़ुद इसमें इन्वॉल्व इन्वाल्वें तमाम एक्टिविटीज़ को पर्सनली मॉनिटर करते हैं और ये वो शख्स है जिसको मैं क्रेडिट देता हूँ कि जब इनको ऑफर किया गया कि आप वाइस चांसलर बन लें तो इन्होंने कहा नहीं अब मेरी ज़िंदगी सारी कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन के लिए बैठ जाते हैं सी पी एस फिजिकल सेंटर पर डेली और तमाम सेंटर पर कनेक्ट अपने आप को करके और मोनीटर करते हैं मेडिकल एजुकेशन की जितनी एक्टिविटी हैं तमाम सेंटर और हेड क्वार्टर की थैंक यू प्रोफेसर आमिर सम ये वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो रेगुलर मोनीटर कर रहे हैं यहाँ आपके तमाम दोस्त नज़र आ रहे हैं उसके सिराज साहब भी नज़र आ रहे हैं फ़रक साहब नज़र आ रहे हैं सुहेल साबिर साहब नज़र आ रहे हैं जनरल मदर साग नज़र आ रहे हैं तमाम नज़र आ रहे हैं फिर एक और चीज़ एक ये बात थी कि शहर साहब इस्लामाबाद बैठे हैं मैं लाहौर बैठा हूँ और कॉलेज जो है वह कराची में कोआर्डीशन एंड कंट्रोल एंड हारमोनी इसके लिए वी डिसाइड के हफ्ते में एक मरतबा रेगुलरली तमाम हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट से वीडियो कनेक्टिविटी के लिए मीटिंग होगी फीडबैक लिया जाएगा वीकेंड पे विल बी इन द कराची शेब साहब में इकट्ठे सैटरडे संडे कराची गुजारते हैं एंड एवरी ट्यूजडे वी आर कनेक्टेड विथ ऑल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट और जो एक हफ्ते का काम है जो इशूज हैं वो रेगुलरली डिस्कस होते हैं विद ऑल दफ डिपार्टमेंट और इसी तरीके से फिर एक्डेमिक रिसर्च के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ले आगे चले प्रोफेसर शेब साहब के ज़माने में गिलगत बिल्तान और अभी उन्हीं की ज़माना है मैं तो इनका बड़ा भाई भी समझता हूँ चीफ प्रेजिडेंट भी समझता हूँ इनके ज़माने में गिलगत बिल्तस्तान वालों ने कहा सेंटर क्रिया बनाना है तो हमने कहा कॉलेज की फ़ीसें तो नहीं बढ़ाई तो ऐसी बरकत पड़ी कि चीफ मिनिस्टर ने लैंड दे दी और एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू पाकिस्तान आर्मी हमारे आर्मी के तमाम दोस्त बैठे हैं पाकिस्तान आर्मी इज़ द ब्लेसिंग फॉर दिस कंट्री आर्मी चीफ की तरफ से तीन करोड़ रुपया और फिर 90 डेज़ के अंदर एफ़ डब्ल्यू ने सेंटर बना दिया गिलगत बिल्तिस्तान का सो वी स्पेंट थर्टियथ अप्रैल इन गिलगत फीडबैक लिया मुंह बारी हुई फर्स्ट अप्रैल को गिलगत का एक खूबसूरत सेंटर जो है इसको इनाग्रेट कर दिया गया सकर्दू वालों ने कहा कि गिलगत बिल्तिस्तान दो हिस्से हैं इसलिए सकर्दू की एक सेपरेट आइडेंटिटी है तो चीफ मिनिस्टर ने दस कनाल जगह वहाँ दे दी और हमने फर्स्ट मे को गिलगत सेंटर इनाग्रेट किया और सेकेंड को अर्थ ब्रेकिंग की हमने सकर्दू सेंटर की और ये सकर्दू सेंटर के तमाम स्टेक होल्डर वहाँ मौजूद हैं एंड दे वर वेरी हैप्पी हमारा फिफ्थ प्रोविंस है और इसमें आप देख रहे हैं तमाम काउंसिल के लोग मौजूद थे और फिर इसी तरीके से अक्रॉस द कंट्री एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट हम करते रहे एन की कन्वोकेशन थी शेयर साहब मैं हम दोनों गए फैलोज़ का फीडबैक लिया और उनकी इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया नेशनल एक्टिविटी के साथ इंटरनेशनल एक्टिविटी इंटरनेशनल जूम पे तो हमारी मीटिंग थी ही थी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन आप सुनी रहे हैं स्टैंडर्ड एक्रेडिटेशन की बात करते हैं एंड यू विल बी ग्लैड टू नो कि जो उनकी इंटरनेशनल मीटिंग हुई जिसने फेडरल हेल्थ मिनिस्टर ईरान ने चेयर किया और प्रेजिडेंट जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन मौजूद थे उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो एक कॉलेज ऑफ फिजिशन सर्जन ने की और प्रोफेसर आमिर जमा आमिरजमा ख़ुद मौजूद थे और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बात हो रही है एक्डिटेशन सिस्टम ऑफ़ सी पी एस पी की और मुझे बहुत खुशी हुई जब उनके हेल्थ मिनिस्टर ने बात की आमिर जमा साहब ने कन्वे किया कॉलेज की कंट्रीब्यूशन देखे बिकॉज ऑफ़ यू पीपल उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि सी पी एस पी को मेडिकल एजुकेशन में इस खत्े को लीड करना चाहिए सो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हमारी मीटिंग उसी अंदाज़ में चलती रही फिर इसके बाद मई का महीना आ गया अब मई के महीने की बड़ी खूबसूरती है इसमें हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन हमारे जो है वो इस वक्त बैच का चल रहा था एक और उसके साथ हमारा इंटरेक्शन और फीडबैक और ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ अल्लाह पाक की जो रहमत और बरकतें सी पी एस पी के साथ हैं नेकनीयत होने की वजह से और नेक नीयत में सब लोग जब नीयत ठीक हो तो मदद वैसे ही आती है और फिर आप जैसे लेजेंड्स यू आर अटैच विद द सी पी एस पी यू आर सपोर्टिंग द सी पी एस पी अब नाइन्थ टेंथ मे को किसको नहीं पता कि मुल्क के जो हालात हमारे सामने थे उस दिन हमारे इम्तिहान थे मेडिसन का इम्तिहान था सर्जरी का इम्तिहान था इस्लामाबाद इम्तिहान था कराची था लाहौर था एट्थ मे को रात बात की गई कि हर इम्तिहान पोस्टपोन हो चुका सी पी एस पी का इम्तिहान पोस्टपोन कर दें मैंने शेर साहब से बात की शेब साहब ने कहा कि नहीं हमारी ट्रेडिशन है कि इम्तहान पोस्टपोन नहीं करते मेरा अपनी भी यही राय थी तो हमने तमाम सेंटर पर कह दिया कि सी पी एस पी एग्ज़मिनेशन विल नॉट बी पोस्टपोन हम मैनेज करेंगे ट्रांसपोर्ट देंगे एग्जामिनर का आना और अगर खुदा ना खासा को कैंडिडेट रह गया तीन चार दिन इम्तिहान है उसको आगे शिफ्ट कर देंगे सो बाई दी ग्रेस ऑफ अल्लाह अल्लाइटी नौ और दस मई को सी पी एस पी की एक एक्टिविटी भी ऐसी दी थी जो रीजनल सेंटर पर नहीं हुई स्मूथली तमाम इम्तिहान कंडक्ट हुए एक शिकायत भी नहीं आई और ये नाइन्थ और टेंथ में की एक यूनिक एग्जाम्पल थी जो सी पी एस पी ने क्रिएट की फिर बात यह की गई कि हमारे जो एग्जामिनर हैं इनकी ट्रेनिंग ही कोई नहीं है इम्तिहान पाँच पाँच छः साल से ले रहे हैं इन्हें बताया तो जाए कि अब जो स्ट्रक्चरिंग फ है वो जो आपका पेपर दिया जाता है कि हिस्ट्री के तीस नंबर हैं फिर चालीस हैं एक्सटर्नल ये करना है इंटरनल ने ये करना है और जो हमारे नए एग्जामिनर हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं है तो सेवनटीन्थ मे को अगेन प्रोफेसर आमिर जमान साहब ने ये मेडिकल एजुकेशन बुलाए तीस के करीब पूरे मुल्क से बुलाए एक दिन की ट्रेनिंग थी और दे विल बी दास्टर ट्रेनर ऑफ द एग्जामिनर एट रीजनल सेंटर अब इन शाह ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में कोई सेंटर ऐसा नहीं होगा जहाँ इंडिविजुअल एक्टिविटी तमाम एग्जामिनर की नहीं होगी और बैठ के देखेंगे कि उस चेक लिस्ट में हमने कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है और अगर नए एग्जामिनर हैं तो उन्होंने किस अंदाज़ में इन तमाम चीज़ों को देखना है और ये वो है अपना जो जिसका हमने आगाज़ कर दिया ये मेरे ख्याल शायद कल की स्लाइड है ट्वेंटी सिक्स कि गायनी से हमने इसका आगाज़ किया एक वर्कशॉप पहले हो चुकी थी और कल दिस वॉज द रिफ्रेशर वर्कशॉप फॉर द एग्जामिनर एंड दिस विल बी द रेगुलर फीचर सो so, अच्छे रिमार्क्स से अच्छा इंप्रेशन लेके गए और फिर ये एक और क्रेडिट है कि 2022 में हमने कहा कि हमारी एक्टिविटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है अमेरिकन काउंसिल फॉर कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन जो एक्रेडिटेशन की है उसने कहा कि चार साल तक आपकी जो भी एक्टिविटी होंगी उसके सी एम ई क्रेडिट आर विल हैव द इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन इंक्लूडिंग टूडेज तो एक्टिविटीज़ और फिर वेरियस जो प्राइजेज मिले और ये फिर एक और अचीवमेंट है क्रेडिट शेब साहब और फिर आप सबको जाता है हाफिज एजाज साहब यहाँ तशीफ़ फर्मा हैं और इन जैसे हमारे सारे मेहरबान मैं समझता हूँ आप सब हमारे पेटर्न हैं यू आल आर द कॉलेज आपकी वजह से कॉलेज है आप हमारे गाइड हैं और आप हम हमें जो है वो रहनुमाई हमारी करते हैं ये फीडबैक मिला कि इदारे कोशिश करते हैं सूद बंद करने की इस्लामी मुल्क है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो शेब साहब का माशाल्लाह टच भी इस्लामिक है और थोड़े से नर्व भी स्ट्रांग हैं इनका बंद तो 2022 में आपके सी के जितने अकाउंट हैं दे आर इंटरेस्ट फ्री सूद से पाकि कराची के भी तमाम रीजनल सेंटर और यहाँ सब बात यह की गई कि इंटरेस्ट नहीं होगा तो कॉलेज कैसे चलेगा तो फिर हमने कहा कॉलेज तो अल्लाह चलाते हैं और कैसी बरकत पड़ी कि आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई उन्होंने कहा व्हाट वी कैन डू फॉर यू हमने कहा सर सेंटर गिलगित का बना दें गिलगत का सेंटर नबे दिनों में बन गया गम्बट सेंटर हमें गिफ्ट हो गया बर्मिंगम में गए तो उन्होंने कहा पाकिस्तानी रुपीस में फ़ीस लेते हैं पाउंड में फ़ीस हमसे ले लें जो इंटरनेशनल एग्जामिनर हैं उनका ख़र्चा हम यहाँ से दे दें पार्ट वन पहला इम्तहान हुआ ट्वेंटी परसेंट लोग ज़्यादा पीर हुए इंटरेस्ट से जितना मिलता था उससे डबल पैसा अल्लाह ने कॉलेज को दिया ये बरकत है जब अहकाम इला पर हम अमल करते हैं और आप देख रहे हैं विदाउट इंक्रीजिंग अ फीस सी पी एस पी किस अंदाज में आगे चल रहा है और फ्यूचर वी में आपकी हेल्प के साथ सी पी एस पी टू बी रिकग्नाइज एज द इंटरनेशनल ट्रेनिंग एंड सेंटर इन द वर्ल्ड सी पी एस पी इज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज़ नॉट द पावर ऑफ एग्जाम्पल बट द पावर ऑफ़ आर ओन एग्ज़ैम्पल और मैं बहुत मशहूर हूँ शेयब साहब के बिहार पे कौंसल के बिहार पे आप सब का बहुत सीनियर लोग हैं और आपका टाइम सी पी एस पी के लिए निकालना मैं समझता हूँ यही एक डेडिकेशन है अगर सी पी एस पी उन तीनों इदारों के साथ तरक्की के सफ़र में आगे है दैट इज़ बिकॉज ऑफ़ यू पीपल वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू थैंक यू वेरी मच